स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल। आप लोग अपना काम अच्छी तरह कर रहे होंगे और आपकी सबकी फेयर नोट भी कंप्लीट हो गई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है अपना, और ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज शुरू करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है आज उन पर बात करेंगे, और उसके साथ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, जो उस वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल द आइडेंटिटीज आर ट्रू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आज बना के देखेंगे पहले, फिर उनका यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर इन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करेंगे तो मालूम है, इसको सेपरेट करते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स वन। इसको पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस इक्वल वन। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। ये बन जाएगा आपका साइन थीटा होल स्क्वायर, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स वन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। दिस इज आइडेंटिटी नंबर वन। ये आइडेंटिटी नंबर वन है आपकी। इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, अगर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दें तो बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर वन से रिलेटेड दो फार्मूले और बन जाते हैं। अब आइडेंटिटी नंबर टू देखेंगे। फिर से वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब डिवाइड करेंगे किससे, बेस स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो पी अपॉन बी, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा इक्वल एच अपॉन एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर कर दें तो बी अपॉन पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल एच अपॉन बी होल स्क्वायर। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेन थीटा। सो टेन थीटा स्क्वायर प्लस वन एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, सेक थीटा होल स्क्वायर। देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर टू। ये आइडेंटिटी नंबर टू है, इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर हम वन को ट्रांसपोज करते हैं इस तरफ तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। ये बनती एक और वैल्यू बन जाती है। अब आइडेंटिटी नंबर थ्री। आइडेंटिटी नंबर थ्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम में डिवाइड करेंगे बाय पी स्क्वायर। इन पाइथागोरस थ्योरम डिवाइडिंग बाय
पी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वन हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो वन प्लस बी अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल एच अपॉन पी होल स्क्वायर, वन प्लस बी अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा एच अपॉन पी, कॉसिक कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये आइडियल नंबर थ्री बन जाती है। अब इस आइडियल नंबर थ्री से दो फॉर्मूले बन जाते हैं, अगर हम वन को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। ओके, तो ये आइडियल नंबर थ्री से दो फॉर्मूले बन गए। तो ये आइडियल हो गए तीनों, ये आपको कंप्लीट कर लेनी है, लर्न कर लेनी है, इनका यूज बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी प्रूविंग करेंगे आप तो इनका यूज अक्सर होता ही है। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे स्पेशल, रिलेशनशिप बिटवीन पाइथागोरस रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशनशिप करेंगे हम, तो जैसे कि आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक वैल्यू आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, उसी का यूज करना है, कैसे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल करेंगे तो वन हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स वन, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू वन होगी। वैसे भी साइन कॉस साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और रेसिप्रोकल होते हैं इनका प्रोडक्ट वन होना चाहिए, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल वन अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल वन अपॉन कॉस थीटा, ये साइन और कॉस की रिलेशनशिप हो गई। अब उसके बाद देखें तो हम जानते हैं कि सेक और कॉस भी दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स वन, जब sec थीटा cos थीटा वन होता है तो sec थीटा इक्वल बन जाता है वन अपॉन cos थीटा और cos थीटा इक्वल वन अपॉन sec थीटा, ये जो वैल्यू आ रही है इनका यूज बहुत, इनका यूज कम है लेकिन इनका यूज बहुत ज़्यादा है, इसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तीसरा होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इनका प्रोडक्ट वन हो जाएगा, तो cot थीटा इक्वल वन अपॉन tan थीटा और tan थीटा इक्वल वन अपॉन cot थीटा, एक स्पेशल रिलेशन होता है sin cos tan, तीनों जो बेस रेशियोज होते हैं तीन होते हैं sin cos tan, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, देखें सिंस tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम एच यानी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, और पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा और बी अपॉन एच कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब इस टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट थीटा इक्वल बन जाता है इसका रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप और आइडेंटिटी इन दोनों का यूज करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में वेरिफिकेशन एंड प्रूफ करने हैं। ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड ओपन एक्सरसाइज 8.4।
देखिए मैथ में सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छा मैथ समझ में आएगा, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, वरना जिनका फॉर्मूले का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे बार बार तो ये फार्मूले आपको डिस्टर्ब करते ही रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे कहाँ किनका यूज कैसे यूज करना है। आप लोग कहेंगे कब कौन सा यूज करना है, उसके लिए एक सिंपल आपको हम एक चीज़ बताते हैं। जैसे आप मेरा घर नहीं जानते हैं, आप मेरा घर नहीं जानते तो कैसे पहुंच पाएंगे, आपसे कहा जाइए मेरे घर, नहीं मैं नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम आपको एक बार लेके जाएंगे तो दोबारा आप शायद पहुंच जाएं, हो सकता है तो कुछ थोड़ा भूल है, लेकिन फिर से जाएंगे तो फिर से लेके जाएं तो आप पहुंच जाएंगे, तो दूसरी तीसरी चौथी बार आप अपने आप जाने लगेंगे। ऐसी मैथ में होता है, एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करिए दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ रह जाएगा तो तीसरी बार समझ में आ जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाती है, सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैथ परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना मैथ को अपना बनाते रहिए। देखें एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए के टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए सेक ए टेन ए, इन तीनों की वैल्यू आपको कॉट ए के टर्म्स में फाइंड करनी है। सबसे पहले साइन ए, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लेके आना है आपको। देखिए सिंस साइन ए इक्वल होता है वन अपॉन सेक ए, वन अपॉन कॉस ए, कोसेक होता है वन अपॉन कोसेक, कोसेक को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया स्क्वायर भी लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोसेक स्क्वायर इक्वल होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये साइन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म्स में फाइंड हो गई। अगर इन्हें कॉट ए की वैल्यू पता चल जाए तो साइन ए की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब सेकंड में आपको सेक ए को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक ए, सेक ए इक्वल सेक ए फाइंड सिंस फ्रॉम नंबर 2 सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप से टेन स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बन जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अगर हम एलसीएम ले लें इसका बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होगी। हमें निकालना वैल्यू सेक ए की, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लो, तो सेक ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर ए से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो सेक ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, तो ये सेक ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट फाइंड हो गई। अब थर्ड है टेन ए, सिंस टेन ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए होता है, ये आपको रिलेशनशिप में बता चुके हैं, तो टेन ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो टेन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ये फाइंड हो गई। ओके अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है एवेल्युएट। एवेल्युएट का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए जो आपको कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो बताए गए थे उनमें क्या होता है, सबसे पहले चेक करिए कि किन दो एंगल का सम 90 हो रहा है। जैसे 63 27 का सम 90 हो रहा है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दो। मैंने बताया भी था जब किसी एक को चेंज करना हो तो बड़े वाले को चेंज करिए आप,
जो बड़ा एंगल है उसको चेंज करिए, छोटे को सेम रहने दीजिए, तो ये बन जाएगा 63 को चेंज करेंगे, साइन थीटा इक्वल क्या होता है कॉस, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ भी इन दोनों का सम 90 हो रहा है, बड़े वाले को इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन 90 माइनस 73 स्क्वायर लगा रहेगा, 90 माइनस 63 हो जाएगा 27, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब आईडी नंबर वन याद कीजिए, आईडी नंबर क्या है, वन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कोई भी आइडेंटिटी हो वो हमेशा उस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा अगर 27 को थीटा मान लें हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन बन जाएगा, वन अपॉन वन इक्वल वन, ये आंसर। ओके नाउ इसी का सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है इवेल्यूएट करना है यहाँ भी साइन 25 कॉस 65 साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 माइनस कॉस 25 इंटू साइन 65। हम 25 65 का सम कितना हो रहा है 90, दोनों तरफ 90 हो रहा है, तो हम 68 को तोड़ेंगे और किसको तोड़ेंगे बड़े वाले 65 को तोड़ेंगे, तो साइन 25 कॉस कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन 90 माइनस 65 कॉस 25 साइन 90 माइनस 65 साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 25 इंटू साइन 25 कॉस 25 इंटू कॉस 25 इंटू ए स्क्वायर साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सो क्वेश्चन नंबर थ्री इट बी कंप्लीटेड नाउ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में है एमसीक्यूज है, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना, पहले फाइंड करेंगे फिर करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। फर्स्ट नाइन सेट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर हम 9 कॉमन ले लें इससे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सोचिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें। इसमें आईडी नंबर टू से एक फार्मूला बना था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल वन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल वन, 9 × 1 इक्वल्स 9, ये ऑप्शन और ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ का सेकेंड पार्ट थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे इसको, फोर्थ का सेकेंड पार्ट है इसमें है 1 + tan θ प्लस sec θ, 1 + cot θ माइनस cosec थीटा, इसको सॉल्व करना है तो करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको sin cos में चेंज कर दो, 1 + tan θ होता है sin θ
sec theta बन upon cos theta, 1 plus cot theta cos theta upon sin theta, cos theta बन upon sin theta. cos LCM हो जाएगा cos theta, तो ये cos theta plus sin theta plus 1, ये यहाँ sin theta LCM हो जाएगा, तो sin theta प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ये बन जाएगा. इसको अगर हम कॉस थीटा साइन थीटा ए मान लें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन. और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन होल अपॉन साइन साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बन जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसको ए मान लो, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. अब यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है एंटी नंबर वन से, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. अब वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin theta cos theta upon sin theta cos theta. sin theta cos theta कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1. तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड. तो अप टू 4 यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड डू इट प्रैक्टिस वेरी वेरी कंपल्सरी. इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी करनी है, ठीक है. And that's all for today. Have a nice day. Goodbye.